यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता युवराज सिंह यादव के नेतृत्व में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा पत्र का वितरण किया। युवराज सिंह यादव ने इस मौके पर कहा कि अगर हम प्रतिज्ञा पत्र में की गई घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे और लोगों को समझाने में सफल रहे तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार हमने घोषणा की थी कि हम हर महीने 6000 किसानों के खाते में भेजेंगे, लेकिन शायद हम अपनी घोषणाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे और लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया, जो पूरे साल में 6000 रुपए किसानों के खाते में भेज रहे हैं। इसी कारण हमें उम्मीद है कि मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया, यह गलती दोबारा ना हो, इसी के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क साधने का बीड़ा उठाया है। हम लोग आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र लेके निकले हैं और हम लोगों का ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से चल रहा है और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को घर घर पहुंचाया जाए, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने कोशिश की थी। हम लोगों ने वादा किया था हम किसान को 72000 रुपये साल का देंगे और जिसका मतलब होता है हर महीने 6000 रुपये, और वहीं बीजेपी सरकार आज 6000 रुपये पूरा साल में देती है, लेकिन हमें लगता है कि वो बात हम शायद लोगों को नहीं समझा पाए। तो इस बार कोशिश यही है कि हम घर घर जाएं और ये जो प्रतिज्ञा पत्र में जितनी भी घोषणाएं हैं, मैं एक एक घोषणाएं लोगों को समझाई जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/